हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास एक डिश टीवी का सेटअप बॉक्स है जिसका मॉडल नंबर 5005 है। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे एसटीएल सेट है। हम इसको क्या करते हैं, चेक करते क्या प्रॉब्लम है, इसको खोल लेते पहले। उसके बाद हम जैसे डीसी चेक में पावर लगाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर पावर आ रहा है। हम क्या करेंगे, जब पावर आ रहा है तो हम चेक करेंगे वीडियो, उसके बाद सिग्नल वगैरह भी सारे चेक करेंगे आ रहा है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है इस बॉक्स में। तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट चेक करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे क्या होगा। सबसे पहले हम सिग्नल भी लगा देते हैं वीडियो के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, देख सकते हैं टीवी में 303 चैनल स्कैन एरर लिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, सिग्नल ड्रॉप कहाँ से, सिग्नल एसी से है या फिर ट्विनर से है। तो लेकिन मल्टीमीटर को हम सही से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिख सके। मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उससे रख के थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले हम वोल्टेज 20 वोल्ट में सेट करेंगे मल्टीमीटर को, और ब्लैक को नेगेटिव ग्राउंडिंग में रखेंगे और ब्लैक को चेक करेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को, बट देख सकते हैं वहाँ पे एक कॉट वहाँ पे रहता है कोयल, उसमें चेक करना है। 18 वोल्ट दिखा रहा है आउटपुट मेरा, तो जब वहाँ पे 18 आता है तो मेरा सिग्नल से प्रॉपर वोल्टेज बना रहा है और अपना आउटपुट दे रहा है वहाँ से। ऐसे तो वर्क कर रहा है, देखते हैं ट्यूनर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूनर का एक फर्स्ट वाले लेग पे नीचे जो सीरियल दिख रहा है उधर से फर्स्ट लेग पे टच करेंगे तो वहाँ पे हम चेक करेंगे। वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे 18 वोल्ट आ रहा है, देख सकते हो वहाँ फर्स्ट पॉइंट पे चेक करना है। और सामने मेरा प्रोब देख सकते हो वहाँ पे रखे हैं। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे एक होगा उसमें भी चेक करना है, वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। ऊपर में एक रहता है पॉइंट टाइप के जो आउटपुट वहाँ से जाता है, मेरा वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। या फिर आप ट्विनर के जहाँ पे सिग्नल लगाते हैं वहाँ ट्विजर डाल के भी चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज प्रॉपर बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। तो क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाके चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मेन्यू को प्रेस करके देखेंगे 10 से 15 सेकेंड तक तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आएगा सेटिंग के लिए। तो हम प्रेस करके रखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर स्कैन करके एक बार दिखाते हैं आप लोगों को, स्कैन नहीं होगा सिग्नल नहीं आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि सेटिंग से इशू है। फिर से हम मेन्यू प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ से क्या करना है। ओके सेट हो जाएगा, सिर्फ सेटिंग से ही ओके हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी मोबाइल शॉपकीपर के पास सेटअप बॉक्स कीपर के पास लेके जाना, देख सकते ऐसे ऐड सेट वहाँ पर तो सही है। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी जहाँ पर लिखा रहता है 12688 वहाँ पर रहता है 12688, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दूसरा था वहाँ पे 13 कुछ था, वहाँ पे हम सेट करेंगे। वहाँ हो गया, यहाँ पे एच है वहाँ भी होगा जेंटल वहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी 27500 यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे देख सकते अलग था। और उसके बाद क्या करेंगे, सेटिंग करने के बाद हम स्कैन करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। जैसे हम स्कैन करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा तुरंत ही स्कैन, देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया है मेरा, यानी कि सिग्नल आ रहा है, मेरा सारा चैनल स्कैन होगा। देख सकते हो चैनल स्कैन हो रहा है, इसका मतलब पूरा सारा चैनल आएगा, कोई अब इशू नहीं है, बिल्कुल सर्च ऑफ कंप्लीट हो गया। ओके देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस लो है, रिचार्ज नहीं इसमें। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं टीवी पास करके, टीवी पास हो जाएगा तो सिग्नल पूरा प्रॉपर आएगा। तो आप लोग देख सकते हो टीवी सार धीरे धीरे करके पास हो रहा है। आपको स्किप करके थोड़ा वीडियो दिखाएंगे ताकि पूरा इतना सारा देख सकते हो, सारा सिग्नल आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो